हाल है सर आपके? बस बढ़िया सर। तो सर ये कौन से हैं सर, डिटेल देंगे सर हमारे को? अभी सिरोही प्रेग्नेंट और गुजरी, प्रेग्नेंट फीमेल और सिरोही और गुजरी के किट्स हैं अपने। सिरोही में आपको पता है ये दो ही कलर आते हैं, एक तो चॉकलेटी और एक स्पॉटेड वाली। ये सभी ये हैवी फीमेल में आ गई 60-65 kg में। एक ये आपके सामने ये वाली, ये सभी प्रेग्नेंट फीमेल है जी। तो ये कितने दांत की होगी सर ये? ये इसने 8 दांत किए हैं अभी। अच्छा, 8 दांत कर दिए जी। ये देखिए 6 दांत पे। 6 दांत सर, मतलब जी ये अपने पास ऑर्डर था। अच्छा। और पार्टी ने टोकन लगाया था करीब 1 हफ्ते पहले। अच्छा। तो उसको करीब 30 फीमेल और 70 किड्स की डिमांड थी। अच्छा। तो अपने पास अभी पूरा 70 किड्स है और 30 जो सिरोही और गुजरी की प्रेग्नेंट फीमेल है। ये आपके सामने गाड़ी भी अभी लोड हो रही है। अच्छा। और पार्टी आई नहीं है अपने यहाँ, बिना पार्टी के माल जा रहा है। पार्टी अभी फार्म पे एक बार भी विजिट नहीं किया उसने अभी। ऑनलाइन ही हुआ वेट मैंने कर लिया था इनका। अच्छा। एक एक पार्टी को वीडियो कॉल के थ्रू। अच्छा, वीडियो कॉल के थ्रू हो जाता जी। और टोकन का क्या रहा था सर? टोकन का 50% एवरेज बिल के हिसाब से हमने 50% उन्होंने टोकन डाला है। बाकी पेमेंट अभी मैंने पूरा बिल बना के भेजा और अकाउंट में डाल दिया है ना। एक हफ्ते में हमने 3 दिन में माल का कलेक्शन कर लिया था। फिर हमने इसको PPR वैक्सीन किया था। अच्छा। उसके बाद में आज इसको जब 3 दिन हो गए, हमको लग रहा है कि इसमें इनका बॉडी टेम्परेचर ठीक है, उसके बाद में हम इसको आज रवाना कर रहे हैं। तो फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल कितनी दी है सर? ये पूरी 30 है जिसमें करीबन 22-23 फीमेल हमारे पास प्रेग्नेंट है। अच्छा। और 3-4-5-7 फीमेल खाली है जो अभी प्रेग्नेंट होने वाली है। ये तो मतलब कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली फीमेल्स है। अच्छा अच्छा। हाँ। जी मतलब लग रहा है सर ऐसा। कुछ ही दिनों में बच्चे देने वाली फीमेल्स है जो कि मैं मैक्सिमम है 1.5 महीने के अंदर अंदर ये बच्चे दे देगी। अच्छा। जी उधर उधर कौन से हैं? ये सिरोही अजमेर और गुजरी के किड्स हैं। तो इधर उन्होंने केवल फीमेल ही लिए क्या सर? नहीं, दोनों माल उनका, वो मेल है तो इनको परेशान कर रहे हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, ये मेल का, ये तो किड्स हैं सर? ये किड्स हैं। कितने उम्र के होंगे सर ये? ये करीबन 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के किड्स हैं इसमें। 20 से लेकर 30 kg वजन के उन्होंने दिया। तो जैसे कि सर पार्टी आई नहीं है तो सारा जैसे आपने प्रबंध किया होगा, गाड़ी का भी आपने किया होगा जी बिल्कुल, और जो अरेंजमेंट आपने किया बकरी वगैरह कलेक्शन करने का वो भी आपने किया, तो पार्टी संतुष्ट है सर? मतलब बिल्कुल। वीडियो मैंने भेजा है उनको, तो दोनों का, सिरोही फीमेल्स का भी भेजा है अलग और सिरोही किड्स का भी भेजा है, पार्टी संतुष्ट है। रेट का तो मैंने आपको बताया सर कि रीसेलर जो भी, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये भी पार्टी है ना, तो जैसे ये प्रेग्नेंट है तो ये बच्चे देने के बाद में वो सेल करेगी, या किसी को प्रेग्नेंट भी सेल कर सकती है। तो रेट में थोड़ा यही दिक्कत आती है कि हमारे यहाँ की आपको पता ट्रांसपोर्ट पार्टी आज 1-1.25 लाख रुपए तो ट्रांसपोर्ट का खर्च कर रही है, पहले हरी पत्ती भी मंगवा रही है, एक आपके सामने गाड़ी लोड हो रही है, तो उसको खर्चा बहुत होता है। तो वो अपने इस रेट में जो हमारे यहाँ अजमेर की रेट में, अजमेर की रेट में मिल जाती है मतलब। हाँ, अजमेर की रेट में तो वो वहाँ सेल नहीं कर पाएगी। वो तो सही बात है सर, वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही वो जोड़ के अपना खर्चा, अपना प्रॉफिट जोड़ के ही कुछ सेल करेगी, तो इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत आती है। उनको दिक्कत ना होने की वजह से आपने रेट नहीं बता रहा। किसी को रेट चाहिए पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, कॉल कर दो। कॉल नहीं उठा पाता क्योंकि कभी बगा गाड़ी लोड करने में, माल का कलेक्शन करने में, फील्ड में रहने की वजह से, या कुछ फैमिली काम की वजह से बिजी रहते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि सर फार्मिंग के लिए तो सर काफ़ी, जैसे वैक्सीनेशन भी इनको कंप्लीट होना चाहिए और सब कुछ जो काफ़ी इनमें रहता है, तो सावधानी की जरूरत होती है, तो वो क्या क्या आपने फिर करी है सर? नहीं सर, देखो ऐसा है, आपने मेरा पहले आपके चैनल पर आपके थ्रू एक वीडियो शूट हो चुका मेरे फार्म का, बिना वैक्सीन के मैंने माल सेल करना ही नहीं है सर, किसी को भी, चाहे वो 10 पीस ले चाहे 5 पीस ले। वैक्सीन का खर्चा पार्टी का है, लेकिन अपन को उसको वैक्सीन ऐड करके ही देंगे, मोस्टली PPR, क्योंकि PPR से ही ज़्यादा दिक्कत आती है जी सर, जी सर। बाकी तो कवर कर लेते हैं, लेकिन PPR ऐसा है कि बहुत लोग बाहर जो पार्टियाँ कवर नहीं कर पाती है, इसलिए PPR तो नेसेसरी अपने फार्म का PPR करके ही देंगे। तो पार्टी ने ब्रीडर नहीं लिया सर? नहीं, ब्रीडर वो जो मैंने आपको बताया सर 10 भेजे थे ना मैंने, उससे पहले ब्रीडर था उसमें, सब 10 के 10 ब्रीडर थे। अच्छा, पहले ब्रीडर ले चुके हैं सर, तो उनके पास अभी ब्रीडर रेडी है वहाँ। तो और ये भी प्रेग्नेंट है, दो जो जो 5 से 6 फील में फीमेल खाली है जो अनलोड है, वो वहाँ क्रॉस हो जाएगा। और सर दूसरा सर, जैसे ये प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं तो इनको ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी सावधानी की जरूरत है, और दूसरा यहाँ के
वहाँ ले जाने के बाद में भी काफ़ी सावधानी जब तो क्या क्या प्रिकॉशन करनी पड़ेगी? इसीलिए हमने तो इनके लिए गाड़ी की जो व्यवस्था की है वो थोड़ी बड़ी गाड़ी की व्यवस्था की है। तो जानवर तो 100 ही है, लेकिन इस गाड़ी में 250 गोट्स आ जाते हैं, फिर भी हमने ये गाड़ियाँ मंगवाई है। हालांकि इससे छोटी भी गाड़ी भी मंगवा सकते थे, तो हमारे पास हरी पत्ती भी थी और अलग गाड़ी में दो लेबर भी जाएंगी, फिर भी इसलिए बड़ी गाड़ी के थोड़े बच्चे हम किड्स से ऊपर, ये डबल लेयर गाड़ी है तो ये ऊपर हो जाएंगे, ऊपर कर देंगे और वो थोड़ी हरी पत्ती भी ऊपर आ जाएगी, नीचे फीमेल रहेंगी, कुछ बच्चे रह लेंगे। इसका कारण कि गाड़ी आपको पता है रोड पे तो कहीं ब्रेक भी लगने हैं, जंप भी आते हैं, डिवाइडर वगैरह जो आते हैं तो ब्रेक वगैरह इनके पैर स्लिप ना हो, इस वजह से बिछाते हैं और इनको आराम भी रहेगा। और कई बकरी जैसे बैठ भी जाती है तो इनके सीने से छुलने की जो छिलने की दिक्कत आ जाती है, तो इससे घास की वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैच्योर है टाइम पे, जिनको पहले टाइम भी इनको क्रॉस हुई है तो सही टाइम पे क्रॉस हुई वो बकरियाँ ये सब। अच्छा, वो नहीं है कि जो कम एज में उनको क्रॉस करवा दिया है तो ऐसी बकरी नहीं है। 3 साल 13 महीने के लगभग 2 दांत कर लेती है, उसके 2-2.5 महीने बाद ही 4 दांत निकाल लेती है, उसके जस्ट फिर 2-3 महीने बाद 8 दांत कर 6 दांत ऐसे करके 2.5 साल के 2 साल के ऊपर खरीदते हैं कि 8 दांत बाद में बूढ़ी हो गई इस हिसाब से करते हैं। तो उम्र क्या रहती है इनकी? नहीं सर, उम्र तो जब बकरी की कहता है, बकरी का कभी बुढ़ापा नहीं आता है। हाँ, अगर अच्छी खुराक दे तो ना, खुराक हो तो कहते हैं कि घर खिलाने वाला हो ना तो बकरी का कभी बुढ़ापा नहीं आता। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है सर आपने। तो उस हिसाब से और बकरी 8 दांत है, अभी नए 8 दांत के हैं। अच्छा, ठीक है। एक तो एज की होती है तो एक तो दांत उसके बिल्कुल घस जाते हैं, वो बूढ़ी हो जाती है, और नए 8 दांत की बकरी है। तो उम्र क्या रहती है सर इसकी लगभग? उम्र तो देखो सर, बकरी की कहा जाता है कि 14 बेद, मतलब 14 टाइम बकरे नॉर्मली, मतलब 14 बेद बोले तो 14 बार बच्चे दे देती है। ये इनका एक तो बीमार कम रहती है, एक इम्यूनिटी भी इनमें ज़्यादा रहती है, इनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहता है बजाय अदर ब्रीड का। अच्छा, जा कहाँ रहा सर ये? कर्नाटका। तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी इनको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। में दिक्कत नहीं आती? तो कॉन्टैक्ट नंबर सर आपने? 9928251628। और अपना फार्म है अजमेर रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर, पुष्कर से 15 किलोमीटर दूर। तो कई अगर पार्टी अजमेर आके या पुष्कर आके अगर कॉल करती है तो आप रिसीव कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारी फैसिलिटी है, या तो पार्टी को पुष्कर बुला के रिसीव कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरी हो तो हम पार्टी को अजमेर ले खुद चले जाएंगे लेने, भेज देंगे, नहीं तो खुद भी जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कोई भी अगर जानकारी लेना चाहे तो आप रिसीव जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, किसी को जानकारी चाहिए, फ़ोन नहीं उठा पाता तो व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। Thank you.